हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के बेडरूम में फ्लैप करने वाले प्रोफेशनल वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको दो तरह से वीडियो शूट कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। जब आपका दोनों पार्ट का वीडियो शूट हो जाएंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक रिवर्स एप्लीकेशन और एक इन शूट एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट किए थे वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मीडिया पे आ चुका हूँ, इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देंगे। यदि वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले जो रिमूव कर देना है। इसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है। सिंपल मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ, तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ही सेम वीडियो शूट करना है। शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इसे बैक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मीडिया पे आएंगे और फिर से आपको जो आपने सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किए थे उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है और इसके बाद वीडियो को प्ले करता हूँ। तो सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है, ध्यान रखना है। और फर्स्ट पार्ट में जहाँ से आपको सर नीचे की तरफ आया था वहाँ पर आपको खड़ा होना है और कुछ इस तरह से आपको पीछे की तरफ गिर जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको काफ़ी ध्यान से यहाँ पे वीडियो शूट करना है, नहीं तो आपको चोट भी लग सकता है, ठीक है। इस वीडियो में भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है टेम टू लेफ्ट करेंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है टेम टू राइट करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। आपका दोनों पार्ट का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, रिवर्स। सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर मिल जाएगा तो आपको स्टार्ट रिवर्स पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको करना क्या, यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये वीडियो आपको रिवर्स में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट कर लेना चाहिए। वेट करने के बाद ये वीडियो देख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक रिवर्स होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग पे हो चुका है। आपको वीडियो को प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो था यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, ये वीडियो ऑटोमेटिक आपका गैलरी में सेव हो चुका होगा। इसी तरह से आपको दो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो जो शूट किए थे उन दोनों पार्ट को सबसे पहले रिवर्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे रिवर्स कर चुका हूँ, इसे आप बैक करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जो उस वीडियो को हमने रिवर्स करते हैं वो वीडियो हमारा क्लाइंट मास्टर में सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा, इन शूट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो वीडियो आपने रिवर्स किए थे उस वीडियो को यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव पे, क्लिक करेंगे, फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपको मैं 720p सेलेक्ट कर लेता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही 720p में सेलेक्ट किया हूँ तो ये वीडियो हमारा रिवर्स में हो चुका है। इसे हम सेव पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक सेव ऐसे हो जाता है। इसके बाद प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो को रिवर्स भी कर चुका हूँ और इन शूट एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट भी कर चुका। इसके बाद हम यहाँ पर बैक करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मीडिया पे आता हूँ, इसके बाद जो हमने सेकेंड पार्ट का वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो और सेकेंड पार्ट का वीडियो दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था और सेकेंड पार्ट का कुछ इस तरह से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है।
जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ इस तरह से गिरते हैं, तो गिरने के बाद हमें क्या करना है, यहीं से इस पार्ट से जो लास्ट में है यहीं से हमें उठने को दिखाना है। तो दिखाने के लिए करना क्या होगा, देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने यहाँ से जैसे कि हम गिरने की एक्टिंग कर रखा हो, इसी वीडियो को मैं रिवर्स कर दूंगा, ये वीडियो उठने के स्टार्ट हो जाएगा सिंगल। तो आपको कहाँ करना है, बीच में आना है, मीडिया पे आना है, और जिस वीडियो को आपने रिवर्स किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इंसोट एप्लीकेशन में आता हूँ और यहाँ पर जो मैंने रिवर्स किया था उस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, इस तरह से मैंने गया गिरा और कुछ इस तरह से उठ गया, देखो। तो इसको मैं प्ले करता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने गिरा, ठीक है, और इसके बाद ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से मैं उठ जाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखे होंगे इस वीडियो ये फुल स्क्रीन में दिखा रहा है, लेकिन ये जो है आपको हाफ स्क्रीन में दिखा रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे और दोनों फिंगर से इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, और यहाँ पर आपको इक्वल पे क्लिक कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से हम क्लिक करते हैं, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, दोनों फिंगर से इसे जूम करेंगे। आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से एडजस्ट आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। फाइनली हम प्ले करेंगे तो आपका वीडियो जैसे कि देख से गिरे और यहीं से आप उठने के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। गिरने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट ले लेंगे, और इस वीडियो को आपको फिर से इस बीच में कर देना है। फाइनली दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से गिरे, फिर उठ गए, फिर आप गिर गए, और फिर से यहाँ पर लग रहा है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से गिरे, इस पोजीशन में फिर से यहाँ से गिरने के स्टार्ट कर चुके। तो यहाँ पे वीडियो आपको फाइनली तैयार हो चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आईडियो करेंगे, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वीडियो जो है आपको 6 से 7 सेकेंड का चाहिए। तो इस वीडियो में जो भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड या राइट साइड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव कर देना है। और वीडियो को यदि आपके किसी भी पार्ट में आपको स्लो मोशन दिखाना है तो सिंपल, जैसे कि एग्जांपल में बता देता हूँ, इस पार्ट में दो पार्ट का डिवाइड में कर देता हूँ, ठीक है, और इस पार्ट को आपको स्लो मोशन दिखाना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल में आना है और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। तो ये वीडियो आपको स्लो मो में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो में आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन भी लगा सकते हैं। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आईडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।